गुड मॉर्निंग भाई लोग, आज हम जा रहे हैं बठिंडा से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से कसौली। बड़ा मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। ओके बाय बाय दोस्तों। दोस्तों ये हमारा बीबी वाला चौक है बठिंडा का, ये फ्लाईओवर है बाईपास, और हम नीचे से जा रहे हैं। यहाँ से चंडीगढ़ रोड स्टार्ट हो जाएगा बठिंडा का। ये बीबी वाला चौक है। ये लास्ट बस स्टॉप है बठिंडा का, यहाँ से बस मिलती है। और अब हम बठिंडा से बाहर आ चुके हैं, ये कैंट एरिया शुरू हो चुका है। ये हाईवे है दोस्तों चंडीगढ़ का, ये 4 लाइन ही है। ये पूरा पटियाला बाईपास होते हुए जाएगा, संगरूर बाईपास हो गया इसमें। आज का जो हमारा रूट है आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, बठिंडा से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से कसौली, ये सारा बठिंडा का कैंट एरिया दोस्तों। कैंट जो है बठिंडा के एशिया का नंबर 1 है बड़ा, तो जहाँ से बठिंडा शुरू हुआ अभी तक ये कैंट ही चल रहा है, और आगे तक काफ़ी जाएगा, अभी 3-4 किलोमीटर और। इस साइड में जब आप आओगे ना बठिंडा से चंडीगढ़ रोड जाओगे, बरनाला रोड कह देते हैं इसको, लुधियाना रोड भी यही है। तो यहाँ पे बठिंडा में ना 2 मशहूर फैक्ट्री आउटलेट हैं, जो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। और जैसे मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट का शोरूम है, तो वो आ चुके हैं। मेरे राइट साइड मैकडी और केएफसी है, और लेफ्ट साइड है जो वो केएफसी के बिल्कुल सामने, राइट साइड मैकडी और केएफसी है, लेफ्ट साइड है मेरे फैक्ट्री आउटलेट। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा सागर रत्न रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और ये आ गया। इसकी भी वीडियो मैं आपको जल्दी लेके आऊँगा। एल्डो काफ़ी आ चुके हैं यहाँ पे ना, अच्छे शोरूम। और ये साइड वाला नया बन गया, ये बर्गर किंग वगैरह, ये पहले नहीं था। तो अभी तो बस रामपुरा आएगा, फिर तप आएगा, मैं आगे आपको दिखाता हूँ, क्योंकि 3 घंटे का ब्लॉग बन जाएगा अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू लेके गया। तो रास्ते में कुछ देखने को हुआ तो मैं ऑन करूँगा गोप्रो, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा फैक्ट्री आउटलेट, ये देख लीजिए, यहाँ पे भी केएफसी मैकडी वगैरह, और ये लेफ्ट साइड है सब कुछ। जो इसके पीछे साइड है वो मार्केट, और आगे आगे सारा ये रेस्टोरेंट्स है खाने के लिए, पेट्रोल पम्प भी है, ऐसा कुछ है। ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो दोस्तों आपको मैंने ये दिखाना है, जो बेस्ट यहाँ का रुकने वाला ढाबा है, काफ़ी मशहूर है ये दीपक ढाबा। तो आपने इस फ्लाईओवर से ना राइट साइड हो जाना है,
ये जो फ्लाई ओवर है टी पॉइंट से नेक्स्ट वाला आएगा, अब दिखा देता हूँ। वैसे मुझे कुछ खाना तो नहीं है वहाँ पे, तो बिल्कुल ही पास है, कोई ऐसा नहीं अंदर जाके। ये वो सबसे बेस्ट ढाबा है ये दीपक ढाबा, और ये वाला दीपक ढाबा मेरे राइट साइड, ये आपने देख ही लिया। तो यहाँ पे खाना इनका अच्छा होता है, रात को आओ सुबह दिन परोंठे कभी भी आओ अच्छा मिल जाएगा आपको। ये दीपक ढाबा देख लिया आपने, और जैसे ही आपने बाहर निकलना है तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये दीपक ढाबा, तो मुझे तो इतनी जल्दी भूख लगी नहीं। तो जैसे ही आप दीपक ढाबा से बाहर जाओगे, या चंडीगढ़ जाना है या अपने बठिंडा जाना है, तो वो रास्ता आप देख लो। ये भाई लोग जैसे आप चंडीगढ़ से आ रहे होंगे तो ये फ्लाई ओवर के ऊपर की नहीं जाना, अपने नीचे को आना है, और ये रोड आपको ले जाएगी दीपक ढाबा। और ये सारे दीपक ढाबा में रुक रहे हैं। ये बठिंडा रोड आ गया, वही बठिंडा चंडीगढ़। अगर आप बठिंडा से आ रहे हो तो ये जो फ्लाई ओवर है दीपक ढाबे के, वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, और आपने इधर से यू टर्न कर लेना है। यार ये बीच में क्या कर रहा है पागल, ये कोई यहाँ पे ना बिल्कुल वॉइस नहीं आती विंड की, और जैसे ही यहाँ पे आ जाते हैं तो स्टार्ट हो जाती है। इनका विंड वाइजर है ना जो यहाँ तक चाहिए, फिर सही है। देखता हूँ अगर एक्स्ट्रा मुझे कोई मिलता है ना ऊपर लगाने के लिए तो सही हो जाएगा फिर। तो थोड़ी सी वॉइस ना ज़्यादा आती है विंड की, जैसे मैं 80 पे जा रहा हूँ ऐसा लग रहा हूँ कि 90 पे 95 पे जा रहा हूँ। तो भाई लोग हम पहुँच चुके हैं मस्तुआना साहिब, यहाँ से हम होंगे लेफ्ट, और यहाँ पे हम लेंगे ब्रेक। ये मस्तुआना कॉलेज आ चुका है, फिजिकल कॉलेज, ये वाला मेरे साथ साथ जो चल रहा है। यहाँ पे बॉक्सिंग का भी काफ़ी अच्छी एकेडमी है, और यहाँ पे मैं काफ़ी टूर्नामेंट खेला भी हूँ। हमारी जो स्टेट होती थी एथलेटिक्स की, यहाँ पे होती थी। हम यहाँ पे रुकते हैं, गुड मॉर्निंग जी। बस वधिया तुसीं सुनाओ जी। हाँ जी, बठिंडा जी, बठिंडा तो। हाँ जी ठीक है, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਗੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਟ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਜਰਨੀ ਤੇ ਕਿਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ।
अच्छा हाँ जी, तो फ्री हुई तो फिर जिवें लेह लद्दाख गोवा फिर बाइक ते जाईदे। ठीक है ठीक हाँ है। जी ये कैमरा ना, ये कैमरा। हाँ जी क्या बात है, मैंने चंगा लगा, मैं तो भी किया। ओके मैं के चलो मिल लिए भाई साहब। हाँ तो तुसी गड्डी फिर उधर लाती के पैदल आ रहे थे तुसी? हाँ मैं ना गड्डी नाल कलीग से ना बरनाले जाना सी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं फिर कोई तो नहीं नहीं ला के तो लांगे। ओके ओके पटियाले बिलोंग करना। ओके ओके ठीक है। कॉलेज या डिग्री करना? हाँ जी मैंने पता है इन्हां दा होस्टल च फिर। ओके 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 ठीक है। चाह पानी बस। ओके धन्यवाद जी। हाँ जी बहुत सोहना बुलेट भी बहुत। हाँ जी मिल लिया। राइड जैकेट पा के रखो, सेफ्टी वधिया शूज वगैरह प्रॉपर रखो, हेलमेट रखो। ठीक है फिर मिलते हैं। हाँ जी ओके। तो दोस्तों हम मस्तवाना साहब से निकल रहे हैं। चलो दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं पटियाला। तो अगर आपने गोपाल रुकना है तो ये नीचे फ्लाईओवर से जाना, आगे लाइट आ जाएगी वहां से राइट लेना है। राइट से आप फ्लाईओवर से जैसी राइट लोगे साथ साथ आपके लेफ्ट साइड में मार्केट शुरू हो जाएगा। पहला ब्लॉक छोड़ के दूसरा ब्लॉक में है गोपाल, तो उनका भी लंच वगैरह डिनर वगैरह अच्छा होता है, बच्चों के लिए पेस्ट्री वगैरह अपने कुछ भी खाना हो। ये अभी जहां मैं फ्लाईओवर उसके बिल्कुल नीचे, ये देखो सामने लाइटें हैं, तो ये सीधा नहीं आना अपने इस फ्लाईओवर को नहीं छोड़ना। ये मेरा बाईपास हो गया और ये पहली मार्केट छोड़नी है आपने, ये बारबेक्यू नेशन आ गया इधर, और दूसरी मार्केट में गोपाल है। मैं आपको दिखा देता हूँ गोपाल वाली मार्केट, ये रही। ये जो मार्केट स्टार्ट होगी ना, ये बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे नीचे रहना आपने, और यहाँ से बस थोड़ा ही आगे जाके लेफ्ट जाओगे ना तो ये मार्केट की एंट्री हो जाएगी। ये रहा, यहाँ पे गोपाल भी है, कुछ और भी है खाने के लिए। मेन तो यहाँ पे मेन जूस वगैरह शेक वगैरह पीने हैं, बड़े अच्छे हैं। और गोपाल ये इस साइड ये सामने है, तो अभी मेरे कुछ खाने का इतना है नहीं क्योंकि मैंने गुरुद्वारा में चाय पी ली थी। तो आगे चलते कोई अच्छा सी भूख लगेगी तो परौठे वगैरह खाते हैं। ये पटियाला आ चुके हैं हम, ये बाईपास निकल गए, शहर हमारा सारा बाईपास हो चुका है। ये अब ये यूनिवर्सिटी के पास से निकलेंगे हम। सही कवर कर गया 60 किलोमीटर, अभी 10 बजे नहीं है तो मस्तवाना से मैं निकला था 9 बजे, 10 मिनट बाकी। ये यूनिवर्सिटी है दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा रश मिलेगा 3-4 किलोमीटर तक का, फिर आगे अच्छा रोड आ जाएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी भी आ जाती है यहाँ पे थोड़ा। अरे यार यूनिवर्सिटी आ जाती है आगे थोड़ा सा, यहाँ पे शोरूम है जैसे निशान का हो गया, टाटा का हो गया, बाहर बाहर की तरफ। ये कमांडो कॉम्प्लेक्स है और आगे एक टोल भी आएगा। भाई लोग पहुंच गए हम शिमला की पहाड़ियों में,
थोड़ा थोड़ा फॉग तो जरूर है, ये पहाड़ शिमला के। देखिए शिमला की पहाड़ियाँ दोस्तों, वैसे तो हिमाचल की पहाड़ियाँ इसको शिमला की पहाड़ियाँ ही बोल देते हैं। मैं कहा माहौल बड़ा सही है, ये देखो दोस्तों बीच में धूप और छाए, क्या ही मजा भाई, क्या ही मस्त मजे हैं। ये फोटो शूट आ चुका है, यहाँ पे काफी लोग फोटो खिंचाते हैं। चलो दोस्तों फिर अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हाँ जी भाई लोग, जैसे ही आप आओगे ना चंडीगढ़ से, और ये कसौली का रास्ता है, इधर से जाना है। हाँ जी भाई लोग, तो हम पहुंच चुके हैं कसौली वाले रोड पर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो चौक आएगा ना चंडीगढ़ से जब आप आ रहे होंगे, तो एक ही चौक आएगा, वहाँ से आपने लेफ़्ट ले लेना। और जैसे लेफ़्ट लिया, और ये सामने वाली रोड जो है कसौली रोड है, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कसौली यहाँ से कितनी दूर रह गया। 9 किलोमीटर ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पर मैं आपको ये 9 किलोमीटर का रास्ता भी कवर कर दूंगा। तो चलो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कसौली का रास्ता, निकलते हैं। उतनी देर में आप देखो कसौली की पहाड़ियाँ।
जाके ना मार्केट आ जाएगी, तो जैसे ही मार्केट आएगी आपने पहला लेफ्ट लेना है, ये आपने याद रखना कसौली के लिए। तो अभी हम लेफ्ट लेंगे यहाँ से, ये कसौली के यहाँ से मार्केट शुरू हो जाती है और होटल भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप होटल ले सकते हो। यहाँ से 3-4 किलोमीटर रह जाते ऊपर, होटल बढ़िया मिल जाते हैं। तो हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये एरिया मार्केट। आपने कुछ खाने के लिए लेना है, कुछ पीने के लिए लेना है, पीने के लिए आप समझ ही गए होगे रात के लिए। ये हमारी पार्किंग आ चुकी है होटल की, तो मिलते हैं दोस्तों हम कल को। ओके, बाय बाय दोस्तों।